सलूमर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ आगाज। जागरूकता वैन से घर घर पहुंचेगा विकसित भारत का संकल्प। सलूमर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सलूमर में जिला स्तरीय कार्यक्रम पंचायत समिति सभागार में हुआ। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी अनिल पाड़िया ने अतिथियों का उपनायन माल्यार्पण कर स्वागत किया, साथ ही सभी ने विकसित भारत बनाने की प्रतिज्ञा ली। सलूमर विधायक अमृतलाल मीणा, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और अन्य अधिकारियों ने व जनप्रतिनिधियों ने पंचायत समिति सभागार से जागरूकता वाहनों को जिले के अलग अलग ब्लॉक के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं से गरीब और वंचितों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को लेकर यह लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। शिविर स्थल पर स्वास्थ्य शिविर, टीबी स्क्रीनिंग, सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग, पीएम उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन, मेरा भारत वॉलंटियर्स का नामांकन, केसीसी नामांकन, आयुष्मान कार्ड और आईटी आदि के पंजीयन किया गया। वहीं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को शिविर में आने वाले हर व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक लाभ दिलवाने के निर्देश दिए। इस दौरान कार्यक्रम में सलूमर विधायक अमृतलाल मीणा, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णपाल चौहान व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाड़िया, सलूमर प्रधान गंगा देवी, लसड़िया प्रधान कन्यालाल मीणा, सेमरी प्रधान दुर्गा शंकर मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे।